Hello everyone, my name is Abhijit Sinha, student of BSc Forensic Science. Today is presenting my topic, Data Recovery. So here we discuss in this topic, the introduction part of data recovery, principle of data recovery, scopes of data recovery, how many types of scopes are there, like some scopes, data loss recovery, advantages and disadvantages. So here firstly we started with introduction part. Whenever we lost the data, like hum koi bhi data lost karte hain ya destroy hota hai ya unusual ya inaccessible data jo hota hai jo lost ho jata hai jo ki hum usko matlab access nahi kar pa rahe hain ya kisi bhi reason se wo hum matlab wo important tha but wo kisi reason se delete ho gaya ya हम लोग उसको रीस्टोर नहीं कर पा रहे या कभी फॉर्मेट करने में वो डाटा लॉस्ट हो चुका है, तो उन सारी डाटाओं को मतलब रिकवर करने का जो टेक्निक है उसको हम डाटा रिकवरी कहते हैं। इसके अलावा डाटा रिकवरी के दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर रीजन एंड हार्डवेयर रीजन। इन रीजन्स का मतलब यही है कि मतलब जो सॉफ्टवेयर रीजन पे जो डाटा लॉस होता है उसको हम सॉफ्टवेयर रीजन कहते हैं, और जो हम लोग को हार्डवेयर रीजन पे जो डाटा लॉस होता है उसको हम लोग हार्डवेयर रीजन कहते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि डाटा रिकवरी काम नहीं करता है, लाइक अगर वो स्पेस जो है, अगर वो एरिया जो है वो जो डाटा रिकवरी का एक फ्री एरिया है वो अगर उस जगह पे कोई और फाइल, न्यू फाइल उसकी रिप्लेसमेंट में अगर कोई फाइल ले ले, या फिर कोई रीज़न से हम उसको कहीं पे रिकवर ना कर पाए, करप्टेड डाटा जो उसको हम रिकवर ना कर पाए, तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो डाटा रिकवर नहीं होता है। सो इट्स नॉट 100% श्योर कि हम आपका डाटा रिकवर होगा, बट ये एक प्रिवेंशन मेजर्स जो हैं, जैसे कि लाइक बैकअप कर लो फाइल के, और या फिर कोई भी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस यूज कर लो, एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप उस डाटा को बैकअप कर लो या जिससे आप उसको रीस्टोर कर सको। दैट्स इट। Next, what is the principle of data recovery? In this topic, we discuss the data recovery is the process of finding and recovering data in which there may be some risk. First, no all situations can be anticipated and pre-arranged. कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन जो प्रोसेस होता है वो मतलब जो फाइंड मतलब डाटा को ढूंढना या रिकवर करना उस डाटा को, और कोई भी डाटा है उसको हम अगर रीस्टोर कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को फॉलो करता है। बट कुछ समय में सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि जो डाटा है वो प्रीअरेंज नहीं हो पाता है या एंटिसिपेटेड नहीं हो पाता है, जिसके जिसका कॉज होता है कि वो डाटा दोबारा कभी रिकवर नहीं हो पाता है, और सम नीड्स में रिड्यूस डैमेज फॉर रिकवरी में भी लॉस्ट, वो डाटा कभी मतलब लॉस्ट हो सकता है। तो इसके प्रिवेंशन ये मेजर्स आप फॉलो करें, लाइक बैकअप ऑल डाटा ऑन योर हार्ड डिस्क। कोई भी डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा अगर आपको लगती है वो इम्पॉर्टेंट है और वो आपको मतलब आप उसको वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, तो उस डाटा को आप पहले ही एक हार्ड डिस्क में कहीं पे स्टोर करके रखिए, लाइक सेपरेट हार्ड डिस्क में। इसके अलावा जो भी डैमेजेस होते हैं उसको इक्विपमेंट्स डैमेज होते हैं उससे आप उसको प्रोटेक्ट करिए, लाइक स्क्रैचेस वगैरह इस सारी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करिए। डोंट राइट एनीथिंग ऑन अ डिवाइस विच यू वांट टू रिकवर डाटा। अगर आप उस डाटा में कोई भी रीराइट करते हैं तो वो डाटा आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है, लाइक वो उस पूरे सिस्टम से ही वो इरेज हो जाएगा। सो आप उस डाटा को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कोई भी रिकवरी करनी है तो उसके जगह पे आप कोई भी न्यू फाइल या न्यू फोल्डर्स रेडी ना करें, वरना आपका जो डाटा है वो रिकवर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप्स ऑफ डाटा रिकवरी। देयर आर सम ऑफ द फॉर्म्स फिनोमेना डाटा प्रॉब्लम्स। लाइक कुछ स्कोप्स होते हैं जो डाटा रिकवर करने में मतलब हेल्प करते हैं, या टाइप्स ऑफ डाटा हम रिकवर करते हैं, जो टाइप्स ऑफ डाटा रिकवर करते हैं, लाइक सिस्टम प्रॉब्लम्स। सिस्टम प्रॉब्लम्स में जो भी हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर में भी कभी क्लोज डाउन हो गया, या फिर अगर आपका डिवाइस है वो इमिडिएटली शट डाउन हो गया, या फिर किसी रीज़न से उसका कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया और आप उस सिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहलाता है सिस्टम प्रॉब्लम्स। इसमें अगर आपका कोई भी की फाइल है जो लॉस्ट हो चुका है जस्ट इन हार्ड डिस्क डैमेज होने की वजह से, तो जो आपका मीडिया बेस्ड रिकवरी और डाटा बेस्ड रिकवरी है वो आपका लॉस्ट है।
या फिर कोई भी मेमोरी चिप, ये सीएमओएस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो सेटिंग्स है वो इनकरप्ट हो चुकी है, तो वो सारी जो इश्यूज हैं वो सिस्टम प्रॉब्लम्स के अंदर में आती हैं। सेकेंड हमारा है बैड ट्रैक ऑफ हार्ड डिस्क। बैड ट्रैक ऑफ हार्ड डिस्क, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क का जो ट्रैक्स है वो डैमेज हो चुका है, लाइक उसका जो ट्रैक्स है उसमें कुछ इश्यूज आ चुके हैं या कुछ उसमें करप्शन आ चुका है। लाइक इसके दो टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं, एक होता है लॉजिकल एंड एक होता है फिजिकल डैमेज। तो इसके जो लॉजिकल और फिजिकल बैड ट्रैक्स है, इसका मीन्स सिर्फ इतना है कि लॉजिकल जो है, लॉजिकल मीन्स सॉफ्टवेयर कंडीशन पे कोई भी डाटा अगर आप लॉस्ट करते हैं हार्ड डिस्क से तो वो आता है लॉजिकल डिस्क, लॉजिकल बैड ट्रैक्स में। बट जो भी डैमेजेस है अगर वो फिजिकल है, अगर उसमें कुछ भी फिजिकली डैमेज हुआ है, लाइक आपका हार्ड डिस्क टूट गया है, क्रैक्स हो चुके हैं, स्क्रैचेस आ चुके हैं, या फिर उसमें नमी आ गई है, तो इन कॉजेस की वजह से जो ट्रैक्स में ट्रैक्स डैमेजेस होते हैं या फिर उसकी उसका कुछ फिजिकली डैमेज इश्यूज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं एक फिजिकल डैमेज में, रियल डैमेज। इट्स काइंड की लाइक सॉफ्टवेयर रीजंस, तो लाइक आप उसको देख नहीं सकते, बट जो फिजिकल डैमेज है वो एक रियल कंडीशन है जिसको आप मतलब फील भी कर सकते हैं। फाइल लॉस जो भी आपका डिलीटेड होता है, फॉर्मेट होता है, कभी कभी हम लोग अपने डाटा को मतलब बिना सोचे ही डिलीट कर देते हैं, एंड देन वी थॉट कि लाइक अरे ये इम्पोर्टेंट था, तो जो भी डाटा है उस वो जो डिलीट हो चुका है या फॉर्मेट हो चुका है वो घोस्ट क्लोन्स एरर के वजह से, तो उस डाटा को रिकवर करने के लिए फाइल लॉस, जो भी फाइल लॉस होता है उसके लिए हम डाटा रिकवरी यूज़ करते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल है जैसे लाइक विजार्ड रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट पार्टीशन प्रॉब्लम। पार्टीशन प्रॉब्लम एक कोई भी पार्टीशंस है जो फिर मतलब जो भी डाटा है वो एक पार्टीशन फॉर्मेट में है या पार्टीशन के वे में है, लाइक एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ नंबर्स के सम्स हैं, उसके पार्टीशंस हैं फाइल्स के, उस पार्टीशन में अगर कोई भी डैमेजेस आता है, इसमें कोई भी डाटा अगर स्टोर है उसमें अगर कोई भी इश्यूज आता है, तो इसके लिए इसको रिकवरी करने के लिए जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है पार्टीशन टेबल डॉक्टर। ये इस पार्टीशन टेबल्स को दोबारा रिकवर करता है और इसका जो सम वैल्यूज़ है उसको रीअरेंज करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पासवर्ड लॉस। पासवर्ड लॉस एक टाइप का फाइल सिस्टम पासवर्ड है जो कि जो लॉस हो चुका, मतलब जो जो भी पासवर्ड हम अपने सिस्टम में लॉस होता है, या डाटा जो है जो अकाउंट लॉस होता है, या फिर हमारा कोई भी पासवर्ड्स है जो हम लोगों ने स्टोर करके रखा है अपने हार्ड ड्राइव्स में, या फिर हमारे सिस्टम का ही पासवर्ड है, तो उस सबको रिकवर करने के लिए भी डाटा रिकवरी यूज़ होता है। अब फाइल रिपेयर। फाइल रिपेयर ये एक टाइप का एक्सेसिबल और देयर कंटेंट शुड बी अल्टर्ड। कोई भी जो भी डाटा है उसका जो कंटेंट है वो अल्टर्ड है या अनरीडेबल कंडीशन में है, या फिर कोई ट्रबल आ रहा है उसको पढ़ने में, तो जो डाटा रिकवरी है उस फाइल को वो रिपेयर करके मतलब लाइक उसको दोबारा रेडी करके देगा उसको रीडेबल कंडीशन में, ताकि हम उसको उस ओपन फाइल को हम ओपन कर सके सिस्टम पे। डाटा लॉस रिकवरी। डाटा लॉस रिकवरी दो बेसिस पे होती है, मैंने पहले ही बताया था, सॉफ्टवेयर रीजन, हार्डवेयर रीजंस। जनरली सॉफ्टवेयर रीजन जो होता है उसका जो डाटा है वो और ओवरराइटिंग ना करें तब तक वो डाटा रिकवर हो सकता है। इसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे फाइल एलोकेटेड टेबल्स या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स। ये 4 GB से मतलब FAT 4 GB से कम के डाटास को मतलब फाइल सिस्टम डाटा रिकवरी होता है, और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम मतलब NTFS जो है वो मोर देन 4 GB से डाटा को मतलब स्टोर करके रखता है। तो इसका जो डिलीटेड मतलब ये रीस्टोर करता है परमानेंट डिलीटेड फाइल्स को, या रिमूवल डिवाइस से जो मतलब इरेज हो चुके हैं फाइल्स, उन सारे डाटा को वो रिकवर करता है। इसके कुछ बेसिक्स टूल्स यूज करते हैं, जैसे लाइक क्रोवा, अनडिलीटेड प्रोज, इजी रिकवरी, प्रोलियंट, नोवानेंट, इटीसीज। These files are used, these types of softwares were used, applications were used to recover the files.
नेक्स्ट इज द सिम्टम्स यूज इन यूज विच मतलब एक सिस्टम सिस्टम को क्या क्या रीजंस हो सकता है सॉफ्टवेयरली डैमेज करने का. तो लाइक इसके तीन टाइप के सॉफ्टवेयर डैमेजेस है, कंप्यूटर वायरसेस, मिस फॉर्मेट और मिस क्लोन. अब कंप्यूटर वायरस एज यूजल, कोई भी डाटा अगर आपका कोई मलिशियस इंटेंशन से आपके सिस्टम में कोई भी वायरस इंस्टॉल करता है, या फिर किसी भी रीजन से आपका जो डाटा है वो मतलब किसी वायरस वायरस का आपका जो सिस्टम है वो किसी वायरस से अफेक्टेड होता है, तो उसके जो डाटा है हम लोग को उसको वो मतलब सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है. तो उसको जो ओवरराइटिंग है और डिस्ट्रॉय है उससे जो डाटा कंटेंट है उन सबको रिकवर करने के लिए हम डाटा सॉफ्टवेयर डाटा रिकवरी का यूज़ करते हैं. मिस फॉर्मेट, कोई भी डाटा है उसका मतलब कोई भी फाइल है उसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में रेडी करना, जैसे कि उसका मतलब उसका टाइप ऑफ फाइल चेंज कर देना, या फिर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या उसको डिलीट कर देना या इनविजिबल कर देना. ये फॉर्म मतलब डाटा गलती से मतलब फॉर्मेट कर देता है, तो हम लोग उसको जो रिकवरी रेट है वो उसका स्लो डाउन होता है. तो हम उस डाटा रिकवरी को यूज़ करके मिस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं. मिस क्लोन, जब भी हम डाटा का बैकअप नहीं कर पाते हैं, लाइक हम कभी भी जब हार्ड डिस्क में डाटा मतलब हम लोग उसकी बैकअप नहीं रेडी कर पाते हैं, तो जो ओवरलैपिंग होता है ओरिजिनल डाटा में, तो उसके वजह से जो हमारे मतलब सिस्टम में इश्यूज आती हैं लाइक डाटा रिकवरी के, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉफ्टवेयर रीजंस में आती हैं. इसके अलावा इंडिविजुअल पार्टीशन टेबल, कोई भी टाइप का अगर आपका उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिसिंग बता रहा है, या उसका बूट जो है वो फेल हो चुका है ओपन होने के लिए, या फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं ये इंडिविजुअल पार्टीशन टेबल्स में आता है. ये प्रॉम्प्ट इशू है, ये सॉफ्टवेयर रीजंस में ही होते हैं. इसके अलावा इनवैलिड सिस्टम डिस्क, इनवैलिड सिस्टम डिस्क एज यूजल यहाँ पे आपको कमांड डॉट कॉम नहीं शो करता, लाइक कमांड प्रॉम्प्ट आपको शो नहीं करेगा या आपको एरर बता देगा, जिससे आपको समझ आना चाहिए कि मतलब आपके साथ डॉस बूट अटैक हुआ है आपके सिस्टम पे, तो इसके वजह से आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा. और इसको रिकवर करने का जो टेक्निक है वो भी डाटा रिकवरी में यूज़ होता है. इसके अलावा हार्डवेयर रिकवरीज हम यूज़ करते हैं. हार्डवेयर रिकवरी एक टाइप का रिकवरी है जो कि हम लोग हार्डवेयर फॉर्म में करते हैं. इसका रीज़न हार्डवेयर रिकवरी मतलब हार्डवेयर में डाटा कैसे लॉस हो सकता है, इसके टाइप्स होते हैं लाइक पावर कट की वजह से, या हेड डैमेज होता है, या सर्किट पैनल प्रॉब्लम होता है, तो उस सब रीज़न से, या इलेक्ट्रिक मशीन या शार्प एज से हम उसको स्क्रैच कर दें या हार्ड डिस्क को, तो हार्ड डिस्क रिकवरी में इश्यूज आती हैं. सो इन सारी कॉजेस को रिकवर करने के लिए हम लोग हार्डवेयर रिकवरी का यूज़ करते हैं. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डाटा रिकवरी के क्या हैं? तो पहले तो एडवांटेजेस क्या हैं इस पूरे डाटा रिकवरी का, तो डाटा रिकवरी जो टूल है, कोई भी अगर हम लोग मिस्टेकली डाटा को लॉस्ट करते हैं तो उसको वो रिकवर करके देता है. ये कंसिस्टेंट है और डिजिटल फॉरेंसिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है. लाइक डिजिटल फॉरेंसिक्स में अगर आप किसी क्राइम सीन पे जा रहे हैं, तो अगर आपका वो डाटा लॉस हो चुका है, आपको वो डाटा नहीं मतलब अगर आपको वो हार्ड डिस्क आपको मिला है, या आपको कोई भी ऐसा कोई डिवाइस मिला है जिसमें आपको डाटा मतलब कुछ समय पहले इसमें क्या एक्टिविटीज़ हुई थी उसका ऑब्जर्वेशन करवाता है, तो एक टाइप से एक इन्वेस्टिगेटर को उसमें हेल्प मिलती है कि इस सिस्टम के साथ थोड़ी देर पहले या इस कुछ समय पहले इस सिस्टम में क्या क्या वर्क हो रहा था, इस बात की जानकारी देने के लिए. इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम के, तो कोई भी डाटा अगर वो रिबूट होता है तो वो राइटिंग जो है उसको अफेक्ट कर सकता है, मे बी वो उसको इरेज करके वहाँ पे न्यू स्पेस क्रिएट कर दे, सो उसके डाटा कभी कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं. डाटा सिक्योरिटी, तो डाटा सिक्योरिटी भी किसी किसी में मतलब अफेक्ट करता है कि उसको उसकी जो डाटा जो सिक्योरिटी लेवल उसकी हाई होती है, जिसकी वजह से वो डाटा ना शो पाता है ना उसको हम अपने सिस्टम पे दोबारा रिकवर कर सकते हैं. उसके बाद रिकवरी करने के साथ साथ मे भी हम अपने किसी सिस्टम में हम अपने वायरसेस को भी रीस्टोर कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक. थैंक यू फ्रेंड्स.